खबर विश्लेषण जिम्मेदारी के साथ अब आपको मिलेगी एक क्लिक पर। डाउनलोड करें 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐप डाउनलोडिंग की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऐप डाउनलोडिंग की लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और जाइए हम अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर और अभी डाउनलोड कीजिए 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स के CEO स्टीव ईस्टबुक को अपनी एम्प्लॉयज के साथ संबंध बनाए रखने के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने पाया कि CEO ने अपनी एक एम्प्लॉय के साथ आपसी सहमति से रिश्ता कायम कर गलत कदम उठाया। निदेशक बोर्ड ने शुक्रवार को ईस्टबुक को कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। कंपनी के मुताबिक ईस्टबुक की जगह क्रिस कैंपिजिंग्स ने ली है, जो मैकडोनल्ड्स USA के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ईस्टबुक ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक ईमेल के जरिए एक एम्प्लॉय के साथ मौजूदा संबंध को अपनी मूल बताया है। उन्होंने लिखा, कंपनी के मूल्यों को देखते हुए मैं बोर्ड के फैसले से सहमत हूँ और अब मेरे लिए इसे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। ईस्टबुक ने प्रवक्ता डिजिरी मूर ने कहा कि ईस्टबुक कंपनी में बिताए अपने वक्त के लिए बेहद शुक्रियामंद है। उन्होंने अपने फैसले में अपनी गलती मान ली है और वह कंपनी के फैसले का समर्थन करते हैं। हालांकि कंपनी ने CEO की फायरिंग की वजह बनी रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। UK ऑपरेशंस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके ईस्टबुक तलाकशुदा हैं। कंपनी के कर्मचारी से रिश्ते को लेकर निकाले गए CEO की लंबी फहरिस्त है। अब ईस्टबुक का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल कई कंपनी में मीटू के दौरान अपने सहभागियों या कलीग्स के साथ डेटिंग या किसी भी तरह के निजी रिश्ते के खिलाफ नियम बना रखे हैं। ईस्टबुक 2015 में CEO बने जब फूड चेन के कस्टमर्स में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही थी। उस साल पहली तिमाही में मैकडी के कुल मुनाफे में 33% की कमी आई थी। ईस्टबुक के कान संभालने के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया और मैकडी US की फास्ट फूड बिक्री कंपनी में शीर्ष स्थान पर आ गई। पिछले साल ईस्टबुक को सैलरी के तौर पर $159 लाख का भुगतान हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।